हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, टीवी की एक बड़ी एक्ट्रेस को हुआ हार्ट अटैक। हाल ही में वो जेल से छूटी थी और अब फिर से उस पर आ पड़ी है बड़ी मुश्किल। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं टेली टॉकीज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएँ। दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ, जो कि 5 महीने तक बाइकुला जेल में रहकर आई हैं, अब उनको हार्ट अटैक आ गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गहना की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उनको सैटरडे की शाम को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनको पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उसको बिल्कुल भी होश नहीं है और जिस वक्त उसको हार्ट अटैक आया, उस वक्त उसके साथ घर पर उसकी केयर टेकर थी और पड़ोसी ने ले जाकर गहना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हम आपको बता दें कि पिछले साल भी गहना की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से वो मुंबई के एक हॉस्पिटल में 3 दिन तक वेंटिलेटर तक पर रहीं। गहना की कंडीशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। उसको CPB बम्प लगाया गया है क्योंकि उसके लंग्स पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और गहना के बाकी ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हम सिर्फ यही दुआ करेंगे कि गहना वशिष्ठ जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएं। और आप भी अपनी दुआएं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।